सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है। तो ये जो बता रहे थे मुझे कि आवारा पशु की जो समस्या है, आपको भी बैठना पड़ता है खेत में? बहुत सारा दिन भर करता था, बीता था, नहीं भाई कमाई का जाए, कमावा फसल चली जा रही है, पशुओं के फसल बेच पा रहे अच्छी तरह से कि नहीं? इसी बहाने के लिए तो आ रहा है, देखो डंडा लगा के पूरी रात बैठना पड़ता है, तार रस्सी करके बगल में बांस गाड़ गाड़ के ऐसे, फिर उसमें खर्चा बहुत होता होगा। हाँ खर्चा, तार बांधने में तो खर्चा बहुत होता है, करना पड़ता है, पूरी है। ये नई समस्या है क्या? पहले तो नहीं होती थी? पहले नहीं थी, 3 साल से हुआ ये मोदी योगी आने के बाद ही हुआ, स्पेशली योगी के आने के बाद बहुत बड़ी जान नहीं रहा, जाने आ रहा है गाय पकड़ी नहीं छोटी, इनका इनका जीवना है। नहीं गाय छोटे थे, बछवा छोटे थे, खाली पकड़े भैंस पड़वा नहीं छोड़ते, बताओ गाय छोटे बछवा छोटे नहीं छोटती है, पड़वा नहीं छोड़ती, यही गाय बछवा छोटे, वही चढ़ा दी ये सब बहानेबाजी है, बहानेबाजी है और ऐसी राजनीति होनी चाहिए मजबूत जो गरीबों के लिए काम करे, किसानों के लिए काम करे, नौजवानों के लिए काम करे। और ये ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं, खासतौर से आप जवान हो, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है पढ़ो, उसमें देखो कि क्या कह रही है कांग्रेस, क्योंकि आप जागरूक नहीं बनोगे ना तो ये देश नहीं संभलेगा, आपको जागरूक बनना है। कांग्रेस क्या कह रही है, भाजपा क्या कह रही है, आप देखोगे कांग्रेस की तमाम योजनाएं पता नहीं, गरीबों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों की मदद की है, और उनके घोषणा पत्र में 4-5 चीजें कहेंगे, जो जरूरी बातें हैं देश के लिए, देश को आगे नाच गल्ला एक उबह नहीं पा जाऊ, 4 दिशा खिया तो बारिश सब हरा गोरू चढ़ता है, वही सब मन वही लड़ाए साहेब, 1000 मकान हुआ था 1 महीना में, साहेब 1000 पाए थे, वही खाना बनाए थे, धुआं माखी फूटी जा रही है, रसैया माँ 1000 तनख्वाह मिला था 1 महीना का हुआ था साहेब, और फिर तो बाहरी सबके खतहर थोड़ा है, सब गरीब मनई है यहाँ साहेब, गरीबन की बस्ती है साहेब, और जो उन बुआ जोते हैं सबके, अब पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं, हमें कहूँ भत्ता पर ईटा पाठा थी कतो कहा करा थी, मैं भगवान का दिहाड़ी का इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था कि नहीं मिल रहा साल, इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को, और हुआ क्या, 5 सालों में रोजगार घटे हैं, 50 लाख रोजगार घटे हैं नोटबंदी के बाद, क्योंकि जो शहर में काम मिलता था वो नहीं मिलता, यहाँ गांव में मनरेगा को इन्होंने खत्म कर दिया, तो नौजवान करे क्या, वहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरियाँ बंद कर रही है, तो ये मतलब ऐसी राजनीति है, आप लोगों को आप ही समझाएंगे, भाजपा वालों को आप ही समझाएंगे, न जाने कितने शिक्षा मित्र मर गए, न जाने कितने संबंध, 1200 रुसैया में अभी भी कुछ, अभी भी नाम क्या है, जरा साइड में हो जाओ ना थोड़ा सा, जाने दो जाने दो, सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है।